नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आपने आधार कार्ड पेपरलेस ऑफलाइन EKYC आधार कार्ड के बारे में सुना होगा। यहाँ पर इस चीज का काफी जगहों पर, काफी वेबसाइटों और काफी पोर्टल पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ तक कि ई सिग्नेचर करने पर भी आपको, अगर आप ई सिग्नेचर का टोकन बनवाना चाहते हो तो वहां पर भी इसका यूज किया जाने लगा है। अब ये आखिर होता क्या है और इसका किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, इसे क्या कैसी क्या प्रोसेस है, पूरी पूरी आज की इस वीडियो में प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है पेपरलेस ऑफलाइन EKYC आधार कार्ड। दोस्तों यहाँ पर जो आपको नाम बताया गया है पेपरलेस ऑफलाइन EKYC आधार कार्ड, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक किसी भी तरह का पेपर और विजुअल चीज नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपका एक ऐसा आधार कार्ड नहीं है जो आप देख सको। यहाँ पर सिंपली आपका एक सॉफ्टवेयर की तरह रहेगा। अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो सिर्फ इसकी एक HTML फाइल रहेगी, जिसे आप कहीं पर भी ओपन नहीं कर सकते हो। अगर ब्राउजर पर भी ओपन करने की कोशिश करो तो वहां पर भी आपको समझ नहीं आएगा। सिंपली यहां पर HTML की लैंग्वेज सिंपली आपके ब्राउजर पर खुल जाएगी। यहां पर होता क्या है कि जो आपको एक जिप फाइल में आपको एक HTML की फाइल दे दी जाती है डाउनलोड करने के बाद, आप इस आधार कार्ड को आधार कार्ड की UID की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से डाउनलोड करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपको फाइल दी जाती है HTML की, अब इसमें होता क्या है कि वो आप खुद वेरीफाइड करके डाउनलोड करते हो और उसका एक पिन आप खुद क्रिएट करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप खुद क्रिएट करोगे उसका पासवर्ड ही, पिन उसका जो भी क्रिएट करोगे वो खुद आपके द्वारा ही क्रिएट किया जाएगा, जैसे आप ही यूज कर सको। ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि आपने जो आधार कार्ड सामने वाले व्यक्ति को या फिर सामने वाली वेबसाइट को दिया है वो आप ही के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उसमें आप ही का पासवर्ड और आप ही का पिन दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर और इसकी कुछ शर्तें भी होती है कि आपके 90 दिनों के भीतर भीतर का आपका ऑफलाइन EKYC पेपरलेस आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आप इसका प्रिंट नहीं निकाल सकते हो, और इसकी सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी होती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह का मटेरियल या फिर आपको किसी भी तरह का प्रिंट आउट हार्ड कॉपी देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर इसे डाउनलोड किस तरीके से करना है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस डाउनलोड करने की। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड पेपरलेस ऑफलाइन EKYC डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको अपना ब्राउजर ओपन कर देना है। ब्राउजर पर सिंपली आपको यहाँ पर आधार कार्ड लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी UIDAI.gov.in। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर माय आधार के ऑप्शंस पर जैसे ही आप अपना माउस का कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि गेट आधार के अंदर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, अपडेट योर आधार के अंदर भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आधार सर्विस के अंदर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और आधार सर्विस के अंदर ही आपको अपना आधार पेपरलेस ऑफलाइन EKYC डाउनलोड करने का भी ऑप्शंस मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर आधार सर्विस, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर से आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ नंबर पर आपको यहाँ पर आधार पेपरलेस ऑफलाइन EKYC बीटा लिखा देखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है, कुछ उसी तरीके से, लगभग उसी तरीके से आपका ये टैब खुलकर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर अपना पिक्चर कैप्चर डाल देना है। जो भी यहाँ पर पिक्चर कैप्चर लिखा है उसे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर सिंपली सेंड OTP बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप सेंड OTP के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड हुआ उस पर एक OTP चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा आ गया है
OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे, दो ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। जैसे कि पहला रहेगा आपका क्रिएट अ शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन EKYC। यहाँ पर आप जो भी चार अंकों का पिन बनाना चाहो अपने उस HTML फाइल का, जो कि अभी आधार कार्ड की HTML फाइल डाउनलोड होने वाली है, उसे खोलने के लिए जो भी आप यहाँ पर पिन बनाना चाहो उसे बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 डाले देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि 5 6, जो भी आपको चार अंकों का पिन समझ आ रहा हो उसे आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 1995 डाले देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी OTP आया है उस OTP को आपको यहां पर डाल देना है। OTP डालने के बाद यहां पर डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो यहां पर 5.1K का एक आपका ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैं आपको फाइल खोलकर दिखाता हूं। यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपकी फाइल रहेगी जो कि ऑफलाइन आधार कार्ड के नाम से रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि आपकी 6 KB की रहेगी। अब हम इसे ओपन कर देखते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही डबल टिप करता हूँ तो कुछ इस तरीके की फाइल खुलकर आ जाती है जो कि XML की रहेगी। यहाँ पर सिंपली मैं दोबारा से डबल टिप करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर पिन मांगने लगा है। अब आपने जो भी यहाँ पर पिन बनाया था, डाला था, यहाँ पर जो भी जैसे 1995 मैंने यहाँ पर डाला था तो वही पिन आपको यहाँ पर डाल देना है, 1995। अब यहाँ पर ओपन कर दीजिएगा, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी ये फाइल मेरे विंडो में सपोर्ट नहीं कर रही इसीलिए ऐसा बता रहा है, ठीक है ना। जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको साथ में इस पिन को भी देना होगा उस वेबसाइट की रूल एंड कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको पेपरलेस ऑफलाइन EKYC आधार कार्ड डाउनलोड करना है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि आपका जो पेपरलेस EKYC ऑफलाइन आधार कार्ड होता है वो क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है और क्या कैसी क्या इसकी प्रोसेस होती है। और अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या फिर डाउट रहता है तो आप हमें डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपके सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा और अगर किसी भी तरह की समस्या होगी तो उसे पर्सनली सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें कोई अच्छा सा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।